नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं। और दोस्तों ये दोनों ही कंपनीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इनके रिव्यूज भी बताने वाला हूं और सैलरी भी डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल टेक इन टारगेट पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक बार हमारा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल टेक इन टारगेट पर डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां भी हम डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स देते रहते हैं। दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो मैं दोस्तों अब आप सभी को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इन दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन डिटेल बता देता हूं। तो दोस्तों उससे पहले आप एक बार प्लीज मेरा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आप देख सकते हो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने पोस्ट कर रखी है, साथ ही साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंसिस भी पोस्ट कर रखे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहली जॉब अपॉर्चुनिटी की। ये दोस्तों मर्क ग्रुप कंपनी की तरफ से। यार एक बार प्लीज गूगल जरूर कर लीजिएगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत कैंडिडेट्स को कंपनी का नाम नहीं पता होता, जब भी वो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं सीधा कमेंट कर देते हैं कि सर ये कंपनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आप पहली बता दूं, 57,000 पीपल आर शेपिंग हाउ द वर्ल्ड लिव्स वर्क्स एंड प्ले थ्रू नेक्स्ट जनरेशन एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर लाइफ साइंस एंड परफॉर्मेंस मटेरियल फॉर 352 ईयर्स एंड अक्रॉस द वर्ल्ड वी हैव पैशनेटली परस्यूड आवर क्यूरियोसिटी टू फाइंड नोबल एंड वाइब्रेंट वे ऑफ एनहांसिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स। तो दोस्तों 57,000 के एम्प्लॉयज इन टोटल इस कंपनी में काम कर रहे हैं। लोकेशन बैंगलोर रहने वाली है, बट दोस्तों इस पैंडेमिक सिचुएशन में रिमोटली भी काम आपसे कराया जा सकता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों 2018 से 2021 के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं हैविंग ऑल मार्कशीट्स। तो मैं समझता हूँ यार 2021 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं अब उन सभी के एग्जाम हो गए होंगे और एक दो दिन के अंदर मार्कशीट आने वाली होगी। इवन बहुत कैंडिडेट्स के पास तो मार्कशीट्स भी आ गई हैं। बात करते हैं कि आपकी पोजीशन रहेगी एप्लीकेशन डेवलपर इंटर्न। दोस्तों यार इंटर्न की सैलरी भी 20,000 तक की आपको सैलरी मिल सकती है, और अगर आपको इंटर्नशिप अच्छे से करते हो तो दोस्तों आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा, उसकी सैलरी भी दोस्तों मैं लास्ट में आप सभी को मेंशन जरूर करने वाला हूं। क्वालिफिकेशन एंड स्किल सेट की बात करता हूं, तो एनी ग्रेजुएट दैट इज बीई बीटेक बीएससी बीसीए सारे एलिजिबल होने वाले हैं। या कोई भी डिग्री कोई भी ब्रांच या मेंशन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ईसी के हो, ट्रिपल ई के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, सीएससी के हो, केमिकल के हो, सभी आप अप्लाई कीजिए। स्ट्रांग नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, आपको दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रांग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, गुड नॉलेज ऑफ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंड अदर वेब टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों आपको डेटा स्ट्रक्चर, आपकी लॉजिकल थिंकिंग और साथ ही साथ दोस्तों आपको वेब टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ यूनिक्स लिनक्स प्लेटफॉर्म। यार देखो इनमें से अगर एक दो चीजें भी आती है तो अप्लाई करो, ऐसा नहीं है इन्होंने जो जो लिखा है सब भी आपको आता हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर देखिए, क्योंकि पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको इस आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजना है। रिज्यूमे भेजते समय मेक श्योर सब्जेक्ट लाइन शुड बी फॉर्मल, कि अपनी लाइन ऐसी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर इंटर्न पोजीशन एप्लीकेशन डेवलपर इंटर्न, ऐसी कुछ लाइन होनी चाहिए। अपना नाम मेंशन कीजिएगा, कहां से हो, कौन से बैच से हो, आपके पास सारी मार्कशीट है, ऐसा करके मीन्स फॉर्मल मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अपने मेल में अपना सीवी अटैच कर उनको सेंड कर रहे हो, वो थोड़ा मीन्स इनफॉर्मल साउंड करता है। तो इस चीज का दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा और जल्दी जाइए इसमें अप्लाई करिए। बात करते हैं दोस्तों सैलरी क्या रहेगी इसमें। तो यार यहाँ ना मैंने पता किया था सैलरी काफी अच्छी रहती है, बट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहती है वो 6.46 एलपीए रहती है, और इंटर्नशिप में यार देखो आपको 15 से 20 एलपीए का मिलता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 17,000-19,000 भी मैंने देखा था। दोस्तों यहाँ आपको सैलरी मिल सकती है ऐसी, तो यार इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। 2018, 19, 20 और 21 अपने सभी सीवी भेज दीजिए। आज सीवी भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो इसमें जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, कभी भी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो सकते हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, जो एटॉस सेंट्रल कंपनी की तरफ से पोस्ट की गई है और बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो यहाँ दोस्तों हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फॉर्म आ गया है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था। 2021 फुल टाइम ग्रेजुएट्स ओनली फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज कोर्सेज एंड स्ट्रीम्स की बात करता हूँ, तो बीई बीटेक एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमसीए के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होने वाले हैं। एग्रीगेट परसेंटेज की बात करता हूँ, तो दोस्तों मिनिमम 60% इन सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन यूजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन,
दोस्तों आपकी हर जगह एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन ब्रेक की बात करता हूं तो मैक्सिमम 1 ईयर ब्रेक इन एजुकेशन इज अलाउड फ्रॉम 10th सेकेंडरी टू हाई क्वालिफिकेशन। ड्राइव लोकेशन दोस्तों आपका सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। प्री रिक्वेस्ट की बात करता हूं तो गुड रिटन एंड वर्बल इंग्लिश स्किल्स, फ्लेक्सिबल टू वर्क इन एनी शिफ्ट, तो दोस्तों आपको कोई भी शिफ्ट में काम करना होगा। जॉब लोकेशन दोस्तों हर जगह की है, पुणे, बॉम्बे, चेन्नई, एटॉस सेंट्रल रिजर्व द राइट ऑफ लोकेशन। तो बात करते हैं दोस्तों, यहां हमें चेक इन पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट आता है दोस्तों गाइडलाइन वाला फॉर्म, ये भी आप जरूर ध्यान से रीड कर लीजिएगा क्योंकि यहां दोस्तों इन्होंने अपनी गाइडलाइंस हर एक चीज मेंशन कर रखी है कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं कुछ बता देता हूँ। आधार नंबर कॉमन है, प्रीफिक्स ये सब अल्फाबेटिक होना चाहिए, तो हर एक चीज मेंशन की है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और एजुकेशन डिटेल्स भी यहाँ मेंशन कर रखी है, पीजी सेलेक्टिंग परसुइंग कंप्लीटेड, पीजी नेचर ऑफ स्टडी, फुल टाइम पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंट, तो हर एक चीज दोस्तों यहाँ आपको मिल जाने वाली है। तो बात करते हैं, यहाँ भी दोस्तों आपको चेक इन करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप ये वाले फॉर्म पर आ जाओगे, यहाँ आपको अपना आधार नंबर, पैन, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स फर्स्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम, फिर दोस्तों मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी, साथ ही साथ दोस्तों और भी डिटेल्स हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर ऐसे ही करके दोस्तों इसको फॉर्म भरना है। बात करते हैं सैलरी क्या रहने वाली है। पहली बता दूं यार, 5,000 से ज्यादा रिव्यूज है, कंपनी छोटी मोटी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। और सैलरी की बात करता हूं तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 4.12 LPA तक का पैकेज मिल सकता है। तो एक जगह दोस्तों आपको चार से, दोनों कंपनीज में आपको चार से ऊपर का पैकेज मिल रहा है, एक जगह 4.12, एक जगह मिल रहा है दोस्तों आपको 6.46 LPA का। तो दोस्तों इन दोनों ही अपॉर्चुनिटीज में जल्दी जाइए अप्लाई करिए क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन कभी भी क्लोज हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, साथ ही साथ दोस्तों दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।